राधे राधे जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी ठीक है। तो अब बरसात के जो महीना है, अब वो हमारा एक महीना बचा है और 2 महीने हमारे बरसात के निकल गए। तो हम घास काटते और पशुओं का कीचड़ उचड़ उठाते उठाते थक भी गए। तो बरसात के दिनों में बहुत सारी सब्जियां भी होती है, सब्जियां होती है, घास होता है और बहुत सारी फसल फसल भी ऐसी होती है कि हमारी जो बरसात में बनती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कद्दू की सब्जी। तो ये हमारे अपने खेतों में लगा था, सॉरी अपने खेतों में नहीं लगा था, क्योंकि इस बार हमने बहुत ही कम जो कद्दू की बेलें लगाई है, क्योंकि पता उनसे क्या होता है, सारी मक्खियाँ एकदम से नीचे गिर जाती है। और इस बार तो हमारे स्टार्टिंग में ही हवा लगी और सारी मक्खियाँ भी गिर गई, तो इसलिए हमने इस बार बहुत कम लगाए थे। तो ये मुझे कद्दू मामी जी ने लिया था, तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कद्दू की सब्जी। तो अभी मैं यहाँ पे कद्दू को धो के लाई थी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन और प्याज भी रख लिया। तो अभी हमारे लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फिर क्यों बच्चों के साथ में बैठ के बातें भी करूँ और अपनी सब्जी भी वहां पे ही काट लेती हूँ। हमने कद्दू के 2 हिस्से कर लिया है, तो मैं आपके साथ सब्जी भी काटती रहूंगी और थोड़ी बहुत बातें भी करूंगी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से शुक्ला जी ही ब्लॉग बना रहे थे, तो मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था और वो भी घर पे ही थे, तो वो मतलब ब्लॉग जल्दी बना लेते थे। और मैं कई दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बातें भी कर रही हूँ और आपके साथ सब्जी भी काट लेती हूँ। तो इसका हम छिलका नहीं उतारेंगे, क्योंकि जो सब्जी है वो बिल्कुल अभी कच्ची है, कच्ची मीन्स मतलब हरी है, तो इसका छिलका उतारने की अभी कोई भी ऐसी नहीं है जरूरत। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर के बाद अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने तड़के के लिए कढ़ाई सॉरी पतीला रख लिया, उसमें हमने तेल डाल दिया और यहाँ पे मैंने ये कद्दू की जो सब्जी मैंने बनानी थी वो यहाँ पे मैंने काट ली है। और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च ये भी मैंने काट के रखी है और यहाँ पे मैंने और मसाले ले लिए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए छोड़ा है, तो मैं धनिया को हाथ से ही ऐसे ही प्रेस कर दूंगी। तो अब हमारा तेल यहाँ पे काफी गर्म हो चुका है, तो ये मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया और साथ में मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि ये हमारा ना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट से ही यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये मैं छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ इसमें भी। और ये छोटी चम्मच हल्दी, भुनने ही वाला है। और ये नमक मैं शुरू में ही ऐड करूंगी, तो अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक भी डाल देंगे।
अब ये हमारा तड़का यहाँ पे भून चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके यहाँ से अपने कद्दू की सब्जी डाल देंगे। ये जो मेरी कुछली थी ना, ये मैं जैसे इसको मिक्स कर रही थी तो ये आगे पीछे भाग रही थी, तो मैंने इससे सनसी से इसको पकड़ लिया क्योंकि गर्म है ना अभी। मसाले के साथ अपने कद्दू भी यहाँ पे मिक्स कर लिया, तो अब हम इसमें ढक्कन रख लेंगे और इसको ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हरी सब्जी जल्दी पक जाती है। और फिर जब हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी फिर हम आपसे दिखाएंगे कि कैसी जैसी बनी हमारी ये कद्दू की सब्जी।